दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम जलाल ख़ान। आपकी खिदमत में एक शानदार नुस्खे के साथ हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, जहां भी होंगे हमारे बताए हुए नुस्खों से फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज मैं आपको परमानेंट टाइमिंग बढ़ाने के लिए बड़ा शानदार घरेलू 100% देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ। इस नुस्खे को आप 40 दिन लगातार इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह ये आपको सूट कर गया तो समझ लीजिए किसी दवा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमानेंट आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। टाइमिंग का इशू जो आपको आ रहा है, टच करते ही आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, इंजाल हो जाता है, फारिग हो जाते हैं, तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी और टाइमिंग उतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे, आप खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत शानदार टाइमिंग के लिए बड़ा बेहतरीन फार्मूला लेकर हाजिर हुआ हूँ। अब आपने इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है, वो आप देख लें क्या क्या। एक तो इसमें है कलौंजी। जी हाँ, कलौंजी तो आपको मालूम ही है कि बताते हैं और हदीस शरीफ में भी है कि मौत के अलावा हर बीमारी के इसमें इलाज है। बहुत सारे इससे फ़वाद हैं, इसके बहुत सारे कामों में आती है। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पर्टिकुलर मैंने आपको बता दिया किस काम के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, वो आप सुन लें। टाइमिंग आपको बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है, अब आप इसका तरीक़ा सुन लें। आपने ये करना है, कलौंजी के दाने लेकर इसको आप ले लें अपने अकॉर्डिंग, 200-250 ग्राम जितने चाहें ले आएँ, और इसको बारीक पाउडर तैयार कर लें, इसका पीस के बारीक पाउडर बना लें। पाउडर जब आपका रेडी हो जाए तो इसको रख लें। अब आपने करना यह है कि 10 ग्राम पाउडर लेना है कलौंजी का, और 20 ग्राम ओरिजिनल प्योर वाला शहद ले लेना है आपने, और इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है, और ये शहद जिसमें आपने कलौंजी का पाउडर मिक्स किया उसे चाट लें। अब आपको अगर दूध हज़म हो जाता हो तो ऊपर से दूध पी लें, और दूध नहीं हज़म होता हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इसको ही चाट लें। इसे आप 40 दिन तक करें, फिर आप देखेंगे टाइमिंग आपकी बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, और टाइमिंग का इशू जो आ रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।